तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो के साथ। भाई फिर से आज हम आपके लिए एक ब्लैक कलर की जो क्रेटा है वो लेकर आए हैं। और भाई जो इस गाड़ी का ये वेरिएंट है ना भाई, ये इस गाड़ी का मिड वेरिएंट है। अब इस क्रेटा के अंदर आपको जो 7 वेरिएंट है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे जो बेस वेरियंट है वो आपको ई मिलता है, फिर आपको उसके बाद EX वेरियंट मिलता है, और उसके बाद आपको मिलता है एस वेरियंट, और उसके बाद SO, उसके बाद आपको SX मिलता है, फिर SX टैग मिलता है, फिर आपको SX ऑप्शनल मिलता है। तो 7 जो वेरियंट है उसके अंदर जो इसको डिवाइड किया गया है नई वाली होंडा क्रेटा फेसलिफ्ट को। तो आपको जो हम वेरिएंट अपने सामने आज दिखा रहे हैं भाई, ये इस गाड़ी का जो है मिड वेरिएंट है, जिसका नाम है भाई एस ऑप्शनल, मतलब SO। ई हो गया, EX हो गया, उसके बाद एस हो गया, फिर आपका हो गया SO। तो SO आपको हम इस वेरिएंट के अंदर दिखाने वाले हैं। और इसमें आपको जो है दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक डीजल का 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन, और एक आपको 1.5 पेट्रोल इंजन नॉर्मल वाला, एक आपको टर्बो वाला है, वो आपको इस वेरिएंट में देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी क्या क्या आपको फीचर्स मिल जाते हैं इस वेरिएंट के अंदर, क्यों ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, तो जानते हैं आज इसी वीडियो में। ये जो वेरिएंट आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये आपको वैल्यू फॉर मनी एक वेरिएंट लगेगा भाई। इसमें ढेर सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, आपको कहीं भी है ना टॉप मॉडल से कम नहीं लगती गाड़ी देखने के लिए। बाकी आपको उससे 4-5 लाख रुपए सस्ती भी मिल जाती है टॉप मॉडल से, और आपको सारे फीचर्स हैं वो भी आपको जो भरपूर गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बने रहें भाई इसी वीडियो में एंड तक। सारे जो फीचर्स वगैरह है, इंटीरियर वगैरह, वो आपको मैं इसका जो चेकआउट चल कराने वाला हूँ। तो फ्रंट करते हैं इसके रियर शुरू रियर प्रोफाइल के साथ। तो ऐसी कुछ आपको कनेक्टेड जो टेल लाइट्स है गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती हैं। बीच में आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है सिल्वर फिनिश के साथ। आपको रियर में डिफॉगर मिल जाते हैं, वाइपर मिल जाता है, वॉशर मिल जाते हैं, और हाई स्टॉप लैंप भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है स्पॉइलर के साथ। बाकी ऊपर की तरफ आपको जो शार्कन एंटीना भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी रियर में आपको जो कैमरे की प्लेसमेंट है वो भी भाई गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है। बाकी आपको 4 जो रिवर्स पार्किंग सेंसर है वो भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। 2 आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, और जो आपको स्किप प्लेट है वो भाई आपको सिल्वर कलर के साथ ही मिल जाती है। बाकी क्रेटा की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाती है, बाकी वेरिएंट की कोई भी बैजिंग आपको इस मॉडल के ऊपर भी देखने के लिए नहीं मिलती। यहाँ पे आपको रिवर्स बैक गियर लाइट का ऑप्शन है, वो भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये तो हो गई भाई इसकी रियर प्रोफाइल। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करता हूँ, तो ऐसी कुछ भाई एस ऑप्शनल जो वेरिएंट है उसकी साइड प्रोफाइल है, जिसको कि मैं आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट दिखा रहा हूँ ये इस गाड़ी का। अगर इसके हम प्राइसिंग की बात करते हैं, तो भाई पेट्रोल के अंदर ये आपको 16.5 लाख रुपए के समथिंग गाड़ी मिल जाती है हरियाणा दिल्ली के अंदर। बाकी अगर आप इसको डीजल 1.5 डीजल लेना चाहते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, आपको ये प्राइस बता रहा हूँ। ये वेरिएंट में आपको जो मैनुअल ही दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी है। तो ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में जो है पेट्रोल के अंदर 16.5 लाख और 18.5 लाख रुपए के आसपास आपको डीजल के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। चारों आपको जो डिस्क ब्रेक गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं, और आपको ब्लैक कलर के भाई न्यू डिजाइन के साथ अलॉय व्हील मिल जाते हैं इस गाड़ी में देखने के लिए। इससे नीचे तक आपको व्हील कैप्स मिल रहे थे, बाकी इसमें आपको जो प्रॉपर अलॉय व्हील गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। प्रोफाइल की बात करते हैं, 215 से 8 8 17 17 इंच के आपको मिलते हैं, जो कि आपको टॉप मॉडल में साइज मिलता है वही साइज आपको इस वेरिएंट के अंदर भी देखने के लिए मिल जाता है। और उसमें आपको ड्यूल टोन कलर के अलॉय व्हील मिलते हैं, और इसमें आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं, बस इतना ही फर्क है। ऊपर की तरफ इसको आप इस वेरियंट में आपको जो है पेनारोमिक सनरूफ भी भाई गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है। बाकी ऐसे सिल्वर फिनिश के साथ आपको रूफ रेल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश के साथ ये पिलर मिलता है इसका, ये हर किसी वेरिएंट में मिलता है हर किसी कलर के साथ। बाकी रियर में आपको जो है सनशेड भी मिल जाते हैं भाई पीछे की तरफ, कंपनी फिटेड आपको जो सनशेड गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी फ्रंट की अगर हम बात करते हैं, बाकी उससे पहले आपको डोर हैंडल दिखा देता हूँ, वो आपको बॉडी कलर भी मिलते हैं। बाकी साइड का जो RVM है उस पर आपको टर्न इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी 360 डिग्री कैमरा है वो आपको इस वेरियंट में देखने के लिए नहीं मिलता, जो कि आपको टॉप एंड में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी कनेक्टेड DRL आपको जो फ्रंट में भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको इसके LED इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और लाइटिंग की अगर बात करता हूँ, तो इस वेरिएंट के अंदर भी आपको जो है LED सेटअप के साथ ही पूरी जो हेडलाइट्स है वो अपनी देखने के लिए मिल जाती है। बाकी स्किप प्लेट है वो आपको सिल्वर फिनिश के साथ ही मिलती है। बाकी आपको फ्रंट में कोई भी कैमरा इसमें नहीं मिलता, क्योंकि आप 360 डिग्री कैमरा इसमें नहीं मिलता, ना ही रेडार के कोई ऑप्शन मिलता है, ना ही आपको फ्रंट में कोई कैमरा गाड़ी में देखने के लिए मिलता है। बाकी ऐसा हुंडई का लोगो मिल जाता है, ऐसी कुछ आपको ग्रिल मिल जाती है बड़ी बड़ी से हाउसिंग के साथ देखने के लिए न्यू वाली क्रेटा की।
बाकी फ्रंट में आपको रेडार वगैरह ये सब में नहीं मिलता, तो यहाँ पे भी आपको जो है कोई भी कैमरा गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलता, ना ही आपको फ्रंट में मिलता है, क्योंकि इस वेरियंट के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा रडार के जो ऑप्शन है एडास के, वो भी आपको देखने के लिए नहीं मिलते, इसलिए रडार का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिला आपको देखने के लिए। बाकी और सारे फीचर्स आपको देखने के लिए भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। बाकी अब इसके ना अंदर चलते हैं फटाफट से इस वेरिएंट के, कि क्या क्या आपको अंदर जो है इंटीरियर में मिल जाता है। तो ऐसे कुछ आपको ड्यूल टोन कलर का जो इंटीरियर है वो गाड़ी का देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर डोर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके जो साइड ओ आर बी एम है उनको आप यहाँ से इलेक्टली एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो। यहाँ से आपका डोर लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। चारों पावर विंडो मिल जाती है, इसको अगर आप दबा के रखते हो आप शीशे जो होल्ड है आपके साइड को ये होल्ड हो जाते हैं। बाकी सिल्वर फिनिश के साथ ही आपको जो डोर के ओपनर है वो गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी सीट की अगर हम बात करते हैं, तो ड्राइवर सीट आपको जो मैनुअली हाइट एडजस्टेबल के साथ मिलती है, इसको आप जो मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी पुश स्टार्ट बटन भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है आपको। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ के जो ऑप्शन है वो भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे एक इसमें मैग्नेट भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो इस वेरिएंट की जो की है वो कुछ इस प्रकार की आपको की मिलती है इस वेरिएंट में, जिसमें कि आपको लॉक एंड अनलॉक के ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी इसको आप अगर होल्ड करके रखते हो तो जो आपका बूट है भाई वो अनलॉक हो जाता है। बाकी इसमें पुश स्टार्ट आपको मिलता है, तो इसमें आपको एक बार चला के दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का आपको जो डिजिटल आपको अपना मीटर है वो टैकोमीटर वो देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके का आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसमें देखने के लिए मिल जाता है। जो टॉप मॉडल है उसमें यहाँ तक पूरा मतलब आपको टच मिल रहा था, लेकिन इसमें थोड़े से जो बटन है उनका यूज किया गया है यहाँ पे। बाकी इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ वगैरह सारी जो कनेक्टिविटी है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। और इसमें आपको जो है वायरलेस मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो इसमें वायरलेस आप चला सकते हैं। टॉप मॉडल में आप वायरलेस जो इसको नहीं चला सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ आपको इसमें ये मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम हो गया, क्रूज कंट्रोल वगैरह हो गया, बाकी ड्राइवर असिस्ट हो गया, क्लस्टर हो गया, लाइट्स, डोर, ये काफी सारे यूनिट रीसेट वगैरह जो फीचर है वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी मिल जाता है। बाकी भाई इसमें आपको मोड्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलते। बाकी जैसे आप रेस वगैरह देते हो तो ये ना जो लाइन है वो अपनी तीन हो जाती है, जो ये आपको सिंगल लाइन दिख रही है, जैसे आप जो रेस देते हो गाड़ी के अंदर उसके साथ साथ बढ़ती है, तो काफी यूनिक लगती है देखने में। बाकी ऐसा कुछ आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है भाई गाड़ी के अंदर। भाई इस वेरियंट से ही ना आपको ड्यूल जोन एसी मिल जाए, अब तक आपको सिंगल मिल रहा था, आपको ड्यूल जोन एसी मिलता है। आपको इधर मतलब को पैसेंजर साइड अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हो, ड्राइवर साइड की तरफ अपना जो है अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हो। 1 लीटर के बोतल होल्डर की स्पेस आपको डोर के अंदर मिल जाती है। बाकी आपको 2 ट्विटर भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। 4 आपको जो स्पीकर्स गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं, हालांकि बॉस के नहीं मिलते, लेकिन आपको जो स्पीकर्स है वो गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, ऐसा कुछ डिजाइन आपको इस वेरियंट में भी अंदर मिल जाता है। बाकी 6 एयरबैग मिल जाते हैं आपको, ABS, EBD, हिल होल्ड असिस्ट, जैसे मतलब जो भी मतलब मेन मेन जो फीचर्स हैं गाड़ी में जो कि होने चाहिए, चारों डिस्क ब्रेक हो गई, ABS हो गया, EBD हो गई, ट्रैक्शन ऑन ऑफ हो गया, ये सारे जो फीचर्स हैं आपको जो गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है। सीट बेल्ट आपको इस वेरिएंट में जो है हाइट एडजस्टेबल के साथ मिलती है। इसमें आप जो सीट है उसको अप एंड डाउन कर सकते हो। मैनुअली आपको जो रियर व्यू मिरर है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको एक टाइप सी चार्जर मिल जाता है, एक 12 वोल्ट का मिल जाता है 180 वाट का, एक यहाँ पे USB पोर्ट भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन इस वेरिएंट में नहीं आता है। यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाता है जिसमें अपना सामान वगैरह कुछ रख सकते हो। बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे ना स्टोरेज खाली है, इसमें आप फोन रख के देखता हूँ, इसमें आप अपना फोन वगैरह रख सकते हो, बाकी गिर भी सकता है हालांकि, पर रख सकते हो। काफी मतलब इतना गहरा है, यहाँ 2 इंच तक इतनी उंगलियां जाती है इसके अंदर, तो आड़ा रख सकते हो कैसे, मतलब फोन कुछ भी चीज आप इसमें अपने डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसा कुछ ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि कूल्ड मिलता है इस वेरिएंट के अंदर आपको, और ऐसा कुछ स्टोरेज आपके हुंडई वालों ने काफी अच्छा स्टोरेज निकाला है इस मतलब किसी भी वेरिएंट में देख लो, यहाँ पे जो स्टोरेज है ये काफी अच्छा निकाला है। इसमें आप फोन वगैरह अपना सामान वगैरह कुछ भी रख सकते हो। अरे थोड़ा मैटी मैटी सा है, मतलब जैसे कोई मैट वगैरह बिछा रखा हो इसके ऊपर, जिससे कि आपकी चीज है ना वो आराम से ऐसे फिसलेगी नहीं इसके ऊपर। बाकी यहाँ पे आपको जो केबल लाइट मिल जाती है LED के साथ, बाकी यहाँ पे आपको एक सनग्लास होल्डर भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है।
इधर की तरफ आपको कोई वैनिटर मिरर नहीं मिल रहा, टिकट होल्डर मिल जाता है। इधर ड्राइवर साइड की तरफ को पैसेंजर साइड आपको जो वैनिटी मिरर भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इस वेरिएंट में आपको भाई सनरूफ गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है, पैनोरामिक सनरूफ, छोटी नहीं पूरी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है भाई इस वेरिएंट में देखने के लिए, जो कि हम इंडियंस के लिए ना काफी आम बात हो गई आज की डेट में। आजकल ना सनरूफ सभी को ज्यादातर ये है कि भाई सनरूफ होना चाहिए गाड़ी में, तो वो फीचर भी इसमें आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ये वन टच है भाई, वन टच के साथ ही ओपन हो जाता है, वन टच के साथ ही अपना जो पूरा क्लोज गाड़ी का जो सनरूफ है वो हो जाता है। ऐसे कुछ आपको यहाँ टू कप होल्डर्स मिल जाते हैं, सिक्स स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ ही गाड़ी आती है। बाकी ऐसे कुछ नॉर्मल हैंड ब्रेक मिलती है, यहाँ पे एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें कि आपको थोड़ा सा स्टोरेज भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी स्टेयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसको आप जो ऊपर नीचे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बाकी आगे पीछे नहीं कर सकते। बाकी डी कट आपको स्टेयरिंग व्हील मिलता है, इस पर लेदर रैप वगैरह कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा जैसे सिंपल सा दे रखा है। बाकी क्रूज कंट्रोल वगैरह के ऑप्शन है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इधर आपके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके जो कंट्रोल्स है वो आपको स्टेयरिंग के ऊपर देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसी कुछ MID वो मैंने आपको दिखाई दी। तो अब एक बार ना गाड़ी के बाहर चलते हैं, मतलब पीछे रियर सीट पे चलते हैं, वहां पे क्या कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई कर्टेन्स आपको सन कर्टेन्स है जो ये मिल जाते हैं कंपनी फिटेड। ऐसे कुछ आपको रियर की डोर मिलती है जिसमें आपको पावर विंडो बटन का ऑप्शन मिल जाता है, 1 लीटर की बोतल होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी रियर सीट अपने 60-40 आपको बेस मॉडल से मिल जाती है और इसके आप अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब ये सीट यहाँ पे है और मुझे थोड़ा आराम ज्यादा चाहिए, मतलब झुकी हुई ज्यादा चाहिए, तो इसको पीछे की तरफ आपको इसको ना पीछे की तरफ जो है ऐसे रिक्लाइन भी कर सकता हूँ, जिससे कि मैं आपको ना आराम से बैठ के जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसी भी। बाकी अंडर थाई स्पोर्ट ना क्रेटा के अंदर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ओके ओके। बाकी हेडरूम वगैरह भी काफी अच्छा मिल रहा है, दो आपको रियर के एसी वेंट्स मिल जाते हैं, दो सी टाइप आपको चार्जर का सॉकेट है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कुछ स्टोरेज मिलता है जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं, और सीट के अंदर आपको जो है आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें कि दो कप होल्डर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको LED के साथ केबिन लाइट मिल जाती है देखने लिए रियर वालों के लिए। बाकी चार आपको हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि आपको एडजस्टेबल मिलते हैं भाई चारों ही ना। बाकी बूट की अगर हम बात करते हैं इस वेरिएंट में तो भाई ऐसा कुछ बूट मिलता है आपको जिसमें कि आपको स्किड प्लेट है वो भी देखने के लिए मिल जाती है, और आपको ना ये 433 लीटर का बहुत बड़ा सा फ्लैट बूट स्पेस मिल जाता है। इसमें आपको बूट लैम्प भी मिल जाता है येलो बीम के साथ, बाकी कोई भी स्पीकर वगैरह कोई भी नहीं मिलता बूट के अंदर। बाकी ऐसे कुछ स्पेयर व्हील मिलता है आपको स्टील रिम के साथ। साइज की बात करते हैं तो 205/65/16 इंच का आपको मिलता है, 1 इंच ना छोटा मिलता है स्टॉक टायर से। तो भाई आपने देख लिया ये ऐसा वेरिएंट है, और इसके अंदर आपको जो बेसिक ना सारे ही फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। एक उसकी लगा लो आप अडास वगैरह जो भी मिलता है उसके फीचर आपको नहीं मिलते हैं। बाकी 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता, बाकी आपको सनरूफ वगैरह, इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बाकी सारे फीचर्स आपको ना देखने के लिए मिल जाते हैं। अलॉय व्हील वगैरह सारा कुछ, रियर वाइपर, डिफोगर। तो भाई ये वेरिएंट ना जो मतलब ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता, जिसको अडास वगैरह से कोई मैटर नहीं रखता, वह इनकी कोई दिक्कत नहीं है वो फीचर हो या ना हो, बाकी ये फीचर्स काफी हैं एक नॉर्मल इंसान के लिए। तो भाई ये आपको 18.5 लाख रुपए के आसपास गाड़ी मिलती है। तो कैसा लगा आपको ये वेरिएंट, वैल्यू फॉर मनी लगा या नहीं लगा भाई, वीडियो के एंड में जो कमेंट करके जरूर बताएं।